क्रॉस प्रिंट पे हमने रोल टू रोल प्रिंट किया था वो हमने किया था, और अब हम वही चीज को Elite 05 की जगह पे अब Elite 1300 पे अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्रॉस प्रिंट जो है वो Elite 1300 पे परफॉर्म करता है और रोल टू रोल प्रिंट कैसा इनहेंस होता है। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक खुशखबरी बता दें कि आज हमारा जो है 10K YouTube फैमिली कंप्लीट हो चुका है, और वो सब का सब आप लोगों की मेहरबानी है और आप लोगों की वजह से हमारा फैमिली डे बाय डे एक्सपेंड कर रहा है, और ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच। और चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं और आज हम 1800 पे कॉस्ट प्रिंट को देखेंगे कि किस तरह से हम प्रिंट करते हैं। तो आपने जैसे जानते हो कि कॉस्ट प्रिंट यूज करने के लिए डोंगल की जरूरत होती है, जो इम्प्रिंट सॉल्यूशन की तरफ से आपको ये डोंगल प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह का आपको ये डोंगल आएगा, इसको आपको जो है अपने लैपटॉप या पीसी में जो है वो इंसर्ट करना है, और हमारे इंजीनियर जो है वो कंप्लीटली आपको इंस्टॉल करने के लिए गाइड कर देंगे ऑनलाइन, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा और उसके प्रोसेस को हम देख लेते हैं। चलते हैं सेटअप की तरफ और कैसे हम फाइल सेट करेंगे, एक्रोरिप से कॉस्ट प्रिंट में कैसे प्रिंट देंगे, वो सारी चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है वो जाना है एक्रोरिप में। एक्रोरिप को हम ओपन कर रहे हैं, और ओपन करते ही यहाँ पे आपको जो है एक्रोरिप का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। तो आपका जो भी साइज है, अभी हम जो है वो अराउंड 70 इंच को प्रिंट करने वाले हैं जो रोल टू रोल कॉस्ट प्रिंट के थ्रू, तो वो हमने इमेज जो है वो सेट कर रखा है। तो अभी हम चलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो है एक्रोरिप में लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में हम जो अपना पेपर साइज है, जो मेरा मीडिया प्रिंट साइज है, उसके अकॉर्डिंग हम लेआउट को बना लेंगे। तो पेपर वाइड जो होगा वो हमारा 12 इंच का होगा, तो आप यहाँ देख सकते हो लेआउट में कि उसको हम 12 इंच कर दे रहे हैं। सेकंड जो है हाइट जो है वो हमने, क्योंकि 70 इंच का मेरा प्रिंट है तो हम उससे थोड़ा ज्यादा रखेंगे, तो 80 इंच जो है हम हाइट रखेंगे। तो यहाँ पे एक हमारा लेआउट बन के तैयार हो गया है, रेडी हो गया। अभी हम अपने इमेज को जाएंगे और उसको फाइल से जो है ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे ओपन में हम जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12x60 का जो है हमारा फाइल, उसको हम ओपन कर रहे हैं। तो ये अब हमारा जो है फाइल ओपन हो रहा है, यहाँ पे एक्रोरिप पे इंपोर्ट हो रहा है। तो ये इस तरह से हमारा फाइल यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हो कि ये अराउंड 70 इंच का जो है वो हमारा मीडिया प्रिंट साइज है। तो इसमें हमने कई सारे छोटे छोटे इमेज को जो है क्लैच कर लिया है और उस तरह से हम प्रिंट करने वाले हैं। तो ये इस बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि कंप्लीटली प्रिंट की जो सेटिंग होगी, जो कलर परसेंटेज होगा, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोवाइडर से यूज कर रहे हो उनका कलर, यूज कर रहे हो किस कंपनी से यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे जो भी हम कलर सेटिंग आपको बताने वाले हैं वो हम इंकवेल जो इम्प्रिंट सॉल्यूशन का ब्रांड है उसके इंक के अकॉर्डिंग हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हम वो यूज करते हैं इम्प्रिंट सॉल्यूशन की तरफ से। तो यहाँ पे जो है मेरा पेपर सेट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलर के पैनल में, कलर मैनेजमेंट में हम जो है वो चेक कर लेंगे। तो कलर जो है वो हम 30 रख रहे हैं और वाइट जो है वो 70 रख रहे हैं। उसके बाद जाएंगे हम वाइट बैलेंस में, जो वाइट इंक कंट्रोल है उसमें हमको जो है रिमूव ब्लैक इंक रखना है और एज इट इज उसको ये कर देना। व्हाइट लेयर जनरेशन में जो है वो हमें जो है 100% व्हाइट अंडर एनी कलर्स पे रखने का है। उसके बाद जो है हमें सबसे पहले जो भी इमेज होगा वो हम सारे इमेज को जो है वो मिरर में प्रिंट करेंगे। तो इमेज पे हम राइट क्लिक करके मिरर कर देंगे। तो यहाँ अब हमारा जो इमेज है वो मिरर हो चुका है, और फिर हम जाएंगे प्रिंटर में। प्रिंटर में हमें डायरेक्ट पोर्ट सिलेक्ट नहीं करना है प्रिंटर का, क्योंकि हम कॉस्ट प्रिंट यूज करने वाले हैं और कॉस्ट प्रिंट से प्रिंट करने वाले हैं रोल टू रोल। तो हमें यहाँ पे जो है वो हमारे इंजीनियर जब आपको कॉस्ट प्रिंट इंस्टॉल करके देंगे तो वहां पे आपका वो एक पोर्ट क्रिएट कर देंगे कॉस्ट प्रिंट के लिए, तो वो पोर्ट को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोर्ट में हम जाएंगे और पोर्ट में जाकर के कॉस्ट प्रिंट सेलेक्ट कर लेंगे, और प्रिंटर जो होगा वो इप्सन का स्टाइलस 1390 एंड 1400 जो है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चेक पेपर साइज वो ऑफ रहेगा, बाकी एज इट इज जो आप जैसे रखते हो डीटीएफ प्रिंटिंग के लिए वैसे ही आपको रखना है। फिर हम जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम प्रिंटर प्रिंट का जो आइकन है उसमें हम जाएंगे और वहां पे हम सारे जो है इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद प्रिंट कलर फर्स्ट, उसके बाद कलर प्लस व्हाइट हम ये करेंगे, और आप जो भी नोजल्स पे प्रिंट करते हो 90 नोजल या 60-45 उस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग आप अपने प्रिंटर के हेड के इस पे हेल्थ पे। तो हम जो है वो 60 नोजल पे सेलेक्ट करेंगे और यहां से जो हम प्रिंट के लिए कमांड दे देंगे। तो ये नॉर्मल जो है हमारा यूसेज है जो एक्रोरिप को हम यूज करते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर से जो है कमांड जाएगा
कॉस्ट प्रिंट में, और कॉस्ट प्रिंट जो है वो रोल टू रोल फॉर्मेट में प्रिंट करेगा, तो वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो रिपिंग के लिए जा रहा है कॉस्ट प्रिंट में, और रिपिंग हो रहा है यहाँ पे हमारा जो इमेज है, अब हमारा जो है वो रिप हो चुका है। और अब हमें चल रहे हैं कॉस्ट प्रिंट पे, और कॉस्ट प्रिंट पे से जो है वो हमें सेटिंग देख लेना है। तो यहाँ पे अभी हम जो है वो कॉस्ट प्रिंट को ओपन करने वाले हैं। तो ये ओपन हो रहा है हमारा कॉस्ट प्रिंट, और यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे हमने रिपिंग किया है वैसे ही यहाँ पे फाइल जो है वो आ चुका है, जो आप डेट एंड टाइम देख सकते हो, एंड ये फाइल में आप जो है फाइल नेम देख सकते हो। तो अभी हम जो है यहाँ पे कुछ सेटिंग होगा, वो सेटिंग को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें सेटिंग में प्रिंटर मॉडल को हमें सेलेक्ट करना है। प्रिंटर मॉडल जो होगा हमारा L1800 होगा। उसके बाद हमें प्रिंट पोर्ट को सेलेक्ट करना है कि आप कौन से पोर्ट को यूज कर रहे हो, इट्स मींस के कौन से मॉडल को यूज कर रहे हो। तो अभी हम जो है यहाँ पे L1800 हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमने L1800 वो सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे हमें देख लेना है प्रिंटर पोर्ट जो है उसको चेक करके कि प्रिंटर ओपन है। तो प्रिंटर को हम ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि प्रिंटर इप्सन L1800 सीरीज इज रेडी। हम कंट्रोल में जाएंगे, कंट्रोल में काफी सारे जो है वो ऑप्शन है। जैसे फर्स्ट में आपको आएगा लोड रोल, सेकंड जो है वो सीट्स मोड है, उसके बाद ऑटो एंड मैनुअल है, इजेक्ट है। तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे अपने वर्क के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते रहेंगे, उसी तरह से जो है हम सारे फंक्शन को जो है वो हम देखते हुए रहेंगे। तो हम अभी लोड रोल पे हम क्लिक करते हैं, और आपको पता है कि पेटफ्लिम को जो है इंस्टॉल लोड होने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो आप इसको जो है इस तरह से थोड़ा पकड़ लोगे तो इजी जो है वो लोड हो जाएगा। और ये देख सकते हो कि वो लोड हो चुका है, और ये अब हमारा जो है वो रोल जो है वो कम्प्लीटली लोड हो गया है। और यहाँ पे जो है हमारा इस तरह से हमें जो है कुछ रोल को जो है ओपन करके रखना है कि लोडिंग इजी हो और प्रिंटिंग इजी हो। तो इस तरह से खुला थोड़ा सा जो है आप एक एक मीटर के करीब जो है प्रिंटिंग के पहले आप खोल सकते हो रोल को, जिससे आपका प्रिंट इजी होगा। तो अभी हमारा जो है वो कंप्लीट लोड हो चुका है। अब हम देखेंगे कि प्रिंट हम यहाँ से कैसे करेंगे। तो आप सामने देख सकते हो कि जो हमने जो कॉस्ट प्रिंट से जो फाइल को जो है वो रिप के लिए भेजा था, वो फाइल यहाँ पे आप देख सकते हो कि जॉब मैनेजर में आ चुका है। और यहाँ पे हम उस फाइल पे पहले क्लिक करेंगे। उस फाइल पे हम क्लिक करने के बाद जो है आप स्टार्ट जॉब कर दोगे तो आपका जो है जॉब स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अभी हम जो है प्रिंटिंग स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रिंट कैसा है। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे और आप देखेंगे।